क्या नया पाकिस्तान क्या? पहले तो मैं आपको कहूँ, ये हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं, हर वो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है वो कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जाती, क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं, वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान। ये इसी तरह ही कराची के अंदर मसलन फ्लड आए हुए हैं, तो आप वो बेचारे लोगों के इतना इतना पानी आया हुआ, आप चाहें जी बताइए जी आपके क्या हालात हैं, तो वो कोई तारीफें करेगा? तो जब मुश्किल मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किल हैं। एक मुल्क को आप मकरूज करके चले जाएं, उसको कर्जे देने हो, उसके पास मुश्किल से पैसा हो अपना मुल्क चलाने के लिए, कर्जे ले मुल्क चलाने के लिए, तो जब वो बेल्ट टाइटनिंग करता है, खर्चे कम करता है, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा, ये तो दुनिया की तारीख है। तो इसका ये नहीं मतलब कि अपनी ख्वाब छोटी रखो। देखिए दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया, वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। जब एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया, पहला आदमी था, तो जितनों ने भी पहले कोशिश की थी वो फेल हो गए थे, या वो मर गए थे और या वो नाकाम हो गए थे। तो उसकी ख्वाब थी जो उसने कहा नहीं मैं कामयाब होऊंगा, तो सारी जिंदगी, अब तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं उस पहाड़ के ऊपर, लेकिन एडमंड हिलरी को सारे याद रखेंगे कि वो पहला आदमी था जिसने इतना बड़ा काम किया। तो ये जो ख्वाब होती है वो एक इंसान को लेके जाती है। एक अंग्रेजी की सेइंग है कि जज नॉट व्हाट अ पर्सन इज, डू नॉट जज अ पर्सन बाय व्हाट ही इज, जज हिम बाय व्हाट ही एस्पायर्स टू बी। उसकी ख्वाब क्या है? अगर मेरी ख्वाब सिर्फ यह है कि मैं क्लब क्रिकेटर बनना है तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं बनूंगा। तो जो भी ऊपर जाता है ये याद रखे, जिंदगी में बड़े काम करता है उसकी सोच बड़ी होती है। किसी ने सोचा ही था ना कि इंसान को चांद पे जाना होगा, सब लोग दुनिया हंसते, मेरी जिंदगी में मैंने बड़ों को सोचा कि क्या मजाक है चांद पे जाना है, कोई कहता था दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हम एक जुना बाप के साथ गया जुमे के खुतबे पे, वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी कोई चांद पे चला गया। तो होते सारे ऐसे दीवाने ही बड़े काम करते हैं। जो ह्यूमन माइंड है, जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों को भी कहा था इंसान के सामने झुको, अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैंने इसको वो पावर दी है, नॉलेज दी है जो तुम्हें भी नहीं दी, लेकिन वो हम पहचानते नहीं क्योंकि हमारी एम्स ही बड़े छोटे होते हैं, हमारी सोच ही बड़ी छोटी सी होती है। सोच ही होती जी पावर में आए, अपनी शुगर मिल्स लगा ली, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा बनाए, लंदन में बड़े बड़े घर ले लिए, हमारी सोच इतनी रह जाती है और वो फिर हम उतने ही इंसान रह जाते हैं। बड़े सोच वाले महातर मोहम्मद, नया शहर उसने बनाया है आज मलेशिया में, देखने वाला शहर है जो उनका कैपिटल है, ये महातर मोहम्मद ने बनाया। तो जब वो शुरू कर रहा था लोगों ने कहा जी फेल हो जाएगा, इतना खर्चा किधर से आएगा, आज आप उसको जाके देखें। और इसी तरह दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है पहले वो बड़ी ख्वाब होती है। तो ये जब मुझे पता चला रावी प्रोजेक्ट का, तो उन्होंने कहा जी बड़ी पहले से सोच थी, मुझे पता था कि क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे उनकी नंबर वन प्रायोरिटी अपना मुल्क नहीं था, उनकी नंबर वन प्रायोरिटी थी कि वो कितनी दौलत बनाते हैं पावर में आके, वो कभी भी नहीं बना सकते बड़ी चीजें, वो कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम जब भी आप बड़ी ख्वाब के पीछे जाते हैं, सबसे पहले मैं आप बार बार आपको एक फ्रेज बताता हूं, किश्तियां जला के जाते हैं, मतलब कि जब आप उसके पीछे जाते हैं तो फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं होता, फिर ही इंसान का पोटेंशियल निकलता है। जब इंसान फैसला कर लेता है कि मैंने अब ये करना है और कोई पीछे का रास्ता नहीं, फिर इंसान के अंदर से जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है, जो ताकत दी है, वो तब ताकत निकलती है। जब आप पीछे आधा रहो, अच्छा जी अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ और कर लूंगा, कभी कुछ नहीं, बड़ा काम नहीं हो सकता ऐसा।